मैं हूं गौरव सिन्हा और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अरविंद इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना मत भूलना आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को पिछले क्लास में हमने तत्सम तद्भव को देखा था आज हम बात करेंगे उपसर्ग की उपसर्ग के बाद हम लोग देखेंगे प्रत्यय को बात अगर उपसर्ग की की जाए तो कई बच्चे ये बाच्च जानना चाहेंगे कि उपसर्ग आया कहाँ से तो मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप बात करते हैं शब्द रचना के बारे में तो शब्द रचना में व्युत्पत्ति के के आधार आधार पर बनावट के पर आपने तीन प्रकार के शब्द देखे थे जहां पहला रूढ़ शब्द दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द था यौगिक शब्दों को अगर आपने बांटने का काम किया था तो पहला था कि यौगिक शब्द बनते हैं शब्दों के मेल से या शब्दांशों के मेल से आज हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं शब्दांश से बनने वाले हमारे शब्दों के बारे में यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की चर्चा की जा रही है इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना अपने नोट्स जरूर तैयार करना और मैं एक बात आपको जरूर बता दूँ कि आज आप जब इस चैप्टर को पढ़ लोगे इस पॉइंट को पढ़ लोगे तो फिर आपको कहीं भी उपसर्ग में दिक्कत नहीं होगी आपकी सारी समस्याएँ सुलझ जाएंगी तो आइए बात करते हैं हम सबसे पहले उपसर्ग के बारे में उपसर्ग को समझने से पहले को, तद्भव को, उर्दू फारसी के ये जितने भी हमारे उपसर्ग हैं इनको समझने से पहले इनके बारे में जानना जरूरी है सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि उपसर्ग होता क्या है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उपसर्ग की तो उपसर्ग को आप दो खंडों में बांट सकते हो जहाँ पहला होता है उप और दूसरा होता है सर्ग। अगर कोई आपसे पूछे कि उपसर्ग किन दो शब्दों के मेल से बना है तो आप कहोगे पहला उप और दूसरा उप सर्ग। उपसर्ग में उप का अर्थ निकट होता है और सर्ग का अर्थ सृष्टि होता है पहला है उप उप का अर्थ है निकट फिर है सर्ग, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि सृष्टि मतलब रचना तो अगर मैं यह कहूं कि निकट या पहले आकर निकटिया पहले आकर नया शब्द बनाना ही उपसर्ग कहलाता है बिल्कुल ध्यान से सुनना छात्रों कि जब किसी भी शब्द के पहले या निकट आकर आप किसी नए शब्द को बनाने का कार्य करते हो तो उससे ही हम कहते हैं उपसर्ग आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू तो जैसे आपने कहा हार ये जो शब्द आपका है ये हमारा मूल शब्द कहलाता है यही वह मूल शब्द है जिसके पहले आकर जिसके निकट आकर उपसर्ग लगकर हम एक नए शब्द का निर्माण करेंगे जो कई बार उसी शब्द को या तो काफ़ी विस्तृत कर देगा बड़ा कर देगा या फिर उसका विलोम कर देगा तो अगर हम बात करते हैं हार की तो यहाँ पर अगर पहले उपसर्ग प्र जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ हो जाता है प्रहार बिल्कुल किसी के ऊपर प्रहार करना तो आपने देखा कि यहाँ हार के पहले एक हमने निकट एक नया या शब्द या कह लीजिए शब्द को लाया तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे प्रहार शब्द बना अगर इसी हार शब्द के पहले अगर हम प्रति लगा दें तो यहाँ पर एक नया शब्द बनता है जिसे हम कहते हैं प्रतिहार तो यही अंतर है आप जिस प्रकार से उपसर्गों को बदलते रहोगे जिस प्रकार से आगे के शब्दांश को बदलते रहोगे उसी प्रकार से एक नया शब्द आपको दिखाई देगा जो उसके समूचे अर्थ को बदल देने का काम करेगा तो ये थी हमारे उपसर्ग की परिभाषा जहां पर आपने देखा कि उपसर्ग के दो शब्दांश होते हैं पहला उप और दूसरा सर्ग उप का अर्थ होता है निकट सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि या बनावट तो निकट या पहले आकर नया शब्द बनाना ही कहलाता है उपसर्ग कोई आपसे पूछ ले कि भैया मुझे बताओ कैसे उपसर्ग को मैं समझ सकता हूँ तो उसे बताना कि इस मूल शब्द के पहले जब कोई आप शब्दांश लगा देते हो पहले लगा देते हो तो इसे ही उपसर्ग कहा जाता है ये उपसर्ग एक नए शब्दों का निर्माण करता है जो पुराने शब्द से जो पुराने वाले शब्द से बिल्कुल अलग अर्थ भी रख सकता है करेंगे संस्कृत संस्कृत के के उपसर्गों की उपसर्ग कितने होते हैं तो सबसे पहले मित्रों ये जान लो की ये पूछता है कि तो परीक्षा में तो माय डियर की संख्या तो संस्कृत के उपसर्गों की संख्या बाईस होती है अब सवाल उठता है कि सर मैं कैसे याद करूं कि संस्कृत के उपसर्ग मुझे परीक्षा में ना भूले और मैं सभी प्रश्नों का जवाब आसानी से दे सकू और

औ उप अप उत और उद को याद रखना है सबसे पहले एक लाइन में इनको लिखने का काम करो यहाँ पे जगह की कमी है अगर आप चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो तो आपको बोलना किस प्रकार से है सबसे पहले याद रखो क्या करना है आ औ उप अप उत उद। आ आओ, उप अप उत्त उद ठीक है यहां तक हमें याद हो गए इसके आगे हम चलेंगे तो अधि अभि अनु या अति अब इसे याद कर लो अब इसे इसे याद करो अधि अभि अति अनु अधि अभि अति अनु आप यहां पे चाहो तो इस अति को पहले कर लो अनु को बात कर लो और ऐसे पढ़ो अधि अभि अनु अति या फिर अधि अभि अति अनु ठीक है इसके अलावा अगर आपको आगे याद करना है इसके नीचे आप कैसे लाइन में लिखोगे तो उसे याद रखो कि आप इसे स्टार्ट करो कि वी सु सम नी। तीसरे लाइन पे आप लिखना वि सुसमी वि आप भी बोलो बिल्कुल इसके अलावा आप क्या करना नीचे आने तो प्रा, प्रा परी प्रति आप देखो इसको बोलो प्रा परा प्रा प्रति इसके अलावा आप देखो नीचे निर निस दूर निर दुष्य। तो इस प्रकार से आप अपने उपसर्गों को याद कर सकते हो आइए हम याद कर कोशिश करते हैं देखते हैं कि यहाँ पे 22 उपसर्ग हुए कि नहीं तो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तो इस प्रकार से हमें मिल गए यहाँ पे बाईस उपसर्ग बिल्कुल मित्रों यहाँ पे आप देख रहे हो बाईस उपसर्ग और आपको इसे इसी प्रकार से याद करना है सबसे पहले लाइन में लिखना है आ औ उप अप उत, अद, उसके आगे अधि अभी आप चाहो तो अति को पहले कर लो और यहाँ पे अनु कर लो अब इसे कैसे बोलोगे अभी अधि, अति, अनु नीचे विसु समनी उसके आगे प्रा, परि, प्रति और चौथे लाइन में पढ़ लो दुर्दोष निर दूर दुर्दोष तो इस प्रकार से आप बाईस उपसर्गों को याद कर सकते हो और आसानी से आप परीक्षा में जवाब दे सकते हो कि किस शब्द का उपसर्ग क्या है तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्द आप लोगों के लिए लिख रखे हैं जिससे आप ये बता सकते हो कि इसमें आपके कौन से उपसर्ग हैं देखो मित्रों परीक्षा में यह भी सवाल पूछा जाता है कि जो शब्द लिखा है इसके आगे वहां आने वाला उपसर्ग वो उपसर्ग क्या अर्थ रखता है या फिर यह उपसर्ग जो है ये संस्कृत का है कि हिंदी का है तो आपके लिए इन्हें याद करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप इसे याद नहीं रखोगे तो आप ये नहीं बता पाओगे कि हमारा उपसर्ग तत्सम का है संस्कृत का है या फिर हिंदी का तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पर लिखा है आकर्षक आकर्षक में यहाँ पे उपसर्ग क्या है आ बिल्कुल इसके अलावा आजन में आप सभी समझ गए होंगे आ जन्म का अर्थ होता है जन्म तक तो आ का अर्थ हमें क्या मिला आ उपसर्ग का अर्थ होता है तक इसके आगे हम बात करते हैं अवकाश की अवमानना की अवकाश और अवमानना के सबसे पहले उपसर्ग की चर्चा की जाए तो यहाँ पर आपको दो उपसर्ग दिखाई देते हैं दो हैं अ और औ अब यहां पे नीचे भी आपको दिख रही है अवधारणा भी दिखाई दे रही है अ का अर्थ होता है किसी भी चीज के समीप जाना या किसी भी चीज़ के विपरीत जाना अब यहाँ पर जब भी आपकी अवमानना होगी तो आप मानने को तैयार नहीं होंगे अवकाश होगा तो आप कार्य पे नहीं जाएंगे छुट्टी पे रहेंगे इसी प्रकार से अवधारणा है तो धारणा हमारी किसी से विपरीत भी हो सकती है मान्यताएं हो सकती हैं इसी प्रकार से अपमान में उपसर्ग है अप अपहरण में उपसर्ग है यहां पर भी अप और अतिरिक्त परीक्षा में काफी ज्यादा पूछा गया है कि अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है तो अतिरिक्त में हमारे उपसर्ग अति है आप यहाँ पे देख रहे हो इसके अलावा उपाध्यक्ष आप खुद समझ गए होंगे मित्रों मेरे साथ बताओ कि यहाँ पे हमारा उपसर्ग कौन है बिल्कुल सही यहाँ पर उपसर्ग है उप इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं उपासना की तो उपधन आसना तो ये फिर होता है उपसर्ग उप उत्कर्ष की बात होती है उद्योग की बात होती उन्नत की बात होती है उत्कर्ष उद्योग उन्नत के हमारे कौन से उपसर्ग होंगे तो यहाँ पे उत होगा यहाँ पे उद होगा और यहाँ पर फिर से उत होगा संधि विच्छेद के चैप्टर में संधि के चैप्टर में हम इसके नियम को पूर्णता पढ़ते हैं लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको आधा दिखाई दे तो आपको उससे त या न में त में रखना है इसके अलावा बात करते हैं अभिमान की आपको फिर से अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पे अभी हमारा है अभी का अर्थ होता है जो उसमें वृद्धि करने का काम करता है तो जब अभी होता है तो वृद्धि करेगा तो अभिमान की कंडीशन में व्यक्ति को मान से ज़्यादा मान की चिंता होने लगेगी जिससे हम अभिमान कहते हैं घमंड कहते हैं उसी प्रकार से अभ्युदय की बात की जाएगी अगर इसमें परीक्षा में पूछता है मित्रों कि उपसर्ग कौन सा है तो आप यहाँ पर बता ोगे कि यहां पे उपसर्ग हमारा अभी होता है इसी प्रकार से अगर आप बात करते हो निर्वात की तो यहाँ पर हमें उपसर्ग दिखाई देता है निर क्या दिखाई देता है निर यहाँ पे र पे हलंत है इस बात को ध्यान देना इसीलिए हमने र को न लिख के र की मात्रा को ऊपर लिखने का काम किया है उसी प्रकार से न्यून की बात होती है कि न्यून जो होता है न्यून उसे हम उस कौन से उपसर्ग में देखेंगे तो यहाँ पे उपसर्ग हमारा नी होगा निधन उन न्यून होता है इसी प्रकार से निर्भय की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर भी हमारा उपसर्ग निर होगा यहाँ पर र की मात्रा है उस हिसाब से आप ध्यान रखोगे कि हमें यहाँ पे हलंत का भी प्रयोग करना है इसी प्रकार से बात करें पर्यावरण की तो परिधन आवरण बिल्कुल हमारे चारों तरफ के आवरण को ही पर्यावरण कहते हैं तो पर्यावरण है तो, तो यहाँ पर हो जाएगा परी उसी प्रकार से प्रयोग की बात करें आपने यहाँ देखा है कि यहाँ पे हमारा उपसर्ग प्र है मित्रों मैं आपको साफ बता दूं कि अगर आपने यह 22 उपसर्ग याद रखे हैं तो आपको इन सारे प्रश्न में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है बिल्कुल आप सबसे पहला काम यही करोगे कि आप सारे उपसर्गों को इसी ट्रिक से याद कर लोगे इसके अलावा बात करते हैं अगर प्रयोग की तो प्र हमको दिखता है उपसर्ग के रूप में प्रति फिर से हमें दिखाई देती है उपसर्ग के रूप में और दुर्लभ में दुर जो हमारा है ये हमारा उपसर्ग का काम करता है मतलब इसको मिलना इतना आसान ना हो काफी कठिनाई से मिले वही दुर्लभ है यहाँ पे आपका दुर है रा पे हलंत है इसलिए रा की मात्रा का प्रयोग हम करेंगे इसी प्रकार से बात करते हैं दुस्साहस की तो यहाँ पे हम दुख की बात करते हैं दुर् की बात करते हैं बुरे साहस की बात करते हैं तो दुस्साहस हो जाता है संयोग की बात करते हैं संयोग संस्कार में हमें कौन सा उपसर्ग दिखाई देता है तो फिर से याद रखो मित्रों कि यहाँ पर हमारा उपसर्ग है सम, सम धन योग संयोग मतलब जब योग हमारे सारे बराबर बनने लगे तो उसे हम कहते हैं संयोग उसी प्रकार से संस्कार सम सं धन अस्कार कहलाता है संस्कार तो यहाँ पर ये दोनों जहां पर आपको ये चीजें दिखाई दे रही हैं अनुस्वार दिखाई दे रहा है तो आप वहां पे क्या करोगे कि आप माँ का प्रयोग करोगे सुगम में सु हमारा फिर से उपसर्ग होगा इसी प्रकार से दुर् यहाँ पे हमें दिखाई देगा आपने पहले भी ऐसे क्वेश्चन को देखा है जैसे दुर्लभ था उसी प्रकार से दुर्गम है आप कर सकते हो और आखिरी बात यहां प्राकर्म में हमें परा दिखाई दे रहा है जो कि हमारा उपसर्ग है ठीक है फ्रेंड्स